Welcome to Avipedia. Today we'll be discussing the recently launched economic survey and budget as to what all aspects you should be focused upon while revising these aspects for your prelims as well as interview preparation. And we have Mr. Deepak with us. So he'll be telling you the salient features which you should take care in the study of economic survey, what themes are to be built upon. So, sir, what are the important aspects in economic survey? How you should basically study it? What are the important aspects? Sir, first of all the people should know that economic survey is relevant for prelims also, mm-hmm. mains as well as the personality stage. Okay. So there are around 13-14 chapters in the survey right now. Okay. So while reading the survey, one should keep in mind that he does not have to read the facts and figures. First of all, the basic trends have to be known. Okay. Like, we don't have to memorize the facts and figures, mm-hmm. but we have to see that what are the trends of those facts and figures. Like current account deficit kis tarah se chal raha hai, exactly. FDI badh raha hai ya kam ho raha hai, exactly. economic growth kaise hai generally. So jaise wo statement based questions aate hain unko hal karne ke liye pre mein kaam aayega. Exactly. Pre ke andar jo statements hoti hain ki pichle 2-3 saalon mein ye bada ya kam hua. Okay. To wo bada ya kam ya stable raha hai, wo trend dekhna hai instead okay. of ki main facts memorize actual figures nahi. Jaise 7.6% 7.7% ye sab wo badhte badhte apne thoda jo yaad ho raha hai wo ho raha hai, lekin exact humne rote learning नहीं करनी है उस चीज की. हमें एग्जैक्टली मोस्ट मोर हमारी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ट्रेंड्स होना चाहिए. ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेंड्स और इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है सर? सेकंडली इसके अंदर ये होता है कि जो भी चैप्टर्स के बॉक्सेस बने होते हैं, ओके, कि जब आप हम सर्वे पढ़ेंगे तो देयर आर सम बॉक्सेस इन द जो भी चैप्टर्स हैं, यस यस, तो बॉक्सेस इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं. ठीक है. जैसे रेटिंग एजेंसी के ऊपर एंड सो ऑन, बहुत सारे बॉक्सेस हैं. ठीक है. वो सारे बॉक्सेस जरूर पढ़ने को, किसी के पास अगर टाइम कम है सर्वे पढ़ने का, तो एटलीस्ट ही शुड गो थ्रू द बॉक्सेस. ओके. कि चलो एक बार पढ़ते पढ़ते वी कैन गो थ्रू द बॉक्सेस. क्योंकि मेंस में मैंने देखा उसके ऊपर 200 वर्ड आंसर बने बनाए मिल जाते हैं. Exactly. अगर इकोनॉमी के लिए यूज करें तो, और प्रीलिम्स में भी उसमें से काफी इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसमें एनालिसिस अच्छा होता है. ओके. और सर इसके अलावा थर्ड ये होता है कि कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स, कोई इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो सर्वे के अंदर है, जिस तरह इस बार यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर काफी अच्छा चैप्टर है. बिल्कुल. तो न्यूज के अंदर भी था. बिल्कुल. और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, तो ये सारे फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चंस अभी तक पिछली प्रीवियस ईयर में नहीं आए. बिल्कुल. तो एक काफी अच्छा चांस है कि इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाएंगे. ओके. तो ये टर्म्स और फ्रेजेस जो भी हैं, जो नए-नए बनते हैं, ट्विन बैलेंस शीट हो गया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो गया, ट्विन डेफिसिट हो गया, okay. तो ये सारी टर्म्स हमने जरूर ध्यान रखनी है सर्वे पढ़ते हुए, okay. और इनके ऊपर हमने थोड़ा डेवलप ऑन करना है कि ये चीजें हैं क्या. ठीक है. बेसिकली आपको उन्हीं टर्म्स के ऊपर ज्यादा रिसर्च करना है जो नई नई आपके नोट्स के साथ नहीं है, exactly. और उसको नोट्स में ज्यादातर इंटीग्रेट करने की कोशिश कर लेनी है वही रेलेवेंट सेक्शन से. और इसके अलावा फोर्थ हम ये चीज देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स और एप्स और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, तो उनके बारे में नाम मेंशन जरूर होता है, मे बी डिटेल सर्वे में ना हो, बिल्कुल, लेकिन द नेम्स आर देयर. ओके. कि ये नई स्कीम या ये नया प्रोग्राम या नई पॉलिसी गवर्नमेंट सोच रही है या गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो उन स्कीम्स पे हमने फर्दर इंटरनेट के सर्च के थ्रू या फिर और अपनी न्यूज के थ्रू हमने इंटीग्रेट उसे और करना कि वो अगर सर्वे अपने को नाम दे रहा है तो उस नाम के ऊपर हमने और देखना कि फीचर्स क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री रन कर रही है, आउटले क्या है, उसका एम क्या है, बिल्कुल, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, तो ये सब डायमेंशन हमें उसमें से देखने के लिए. सर स्कीम्स को लेकर ना एक कॉमन डाउट रहता है कि इनकी डेप्थ क्या रहे कवरेज की. अभी जैसे NRHM था तो उसमें एक्सेलरेट जो आशा वाला एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरह से कितनी डेप्थ रहनी चाहिए स्कीम की कवरेज में? कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं इसकी? 4-5 होती हैं. ओके. ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्कीम का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. ओके. कि ये स्कीम का लॉन्च हो रही है, किस एम से लॉन्च हो रही है. ओके. नंबर टू टारगेट पॉपुलेशन के, बिकॉज हर स्कीम का टारगेट पॉपुलेशन होगा कि हमें लोगों को टारगेट करना है. ठीक. टारगेट पॉपुलेशन पता होना चाहिए. थर्ड हमें मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए. ठीक है. कौन सी मिनिस्ट्री से रन कर रहे हैं, बिकॉज अगेन इन 2013 या 14 एक क्वेश्चन आया था इसमें मल्टीपल स्कीम्स को अगेंस्ट द मिनिस्ट्री मैच करने के लिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर फोर मैकेनिज्म ऑफ द स्कीम. ओके. कि वो स्कीम अगर रन कर रही है तो कौन सी एजेंसीज हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू स्कीम रन हो रही है. तो आपका वाला डाउट NRHM तो आशा की इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू NRHM रन हो रही है. बिल्कुल. तो वो सारे मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशंस और पीपल या गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जिसके थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है. ठीक. इंस्टीट्यूशंस के नाम बताओ, उनके बारे में एक एक दो लाइन्स बताओ. तो बहुत हमने डेप्थ में जाकर टेक्निकल डिटेल्स नहीं करनी है एग्जैक्टली कैसे रन हो रही है. ओके. लेकिन ये 4-5 डायमेंशन अगर कवर होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली प्रीलिम्स विल बी सेफ. ओके. उसमें हो जाएगा. एनी अदर थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू इकोनॉमिक सर्वे? सर इकोनॉमिक सर्वे में क्लाइमेट चेंज के ऊपर चैप्टर रहता है हमेशा हर साल. ओके. तो वो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनवायरमेंट के क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आते हैं, उसके लिए वो क्लाइमेट चेंज का चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट. ओके. तो उसमें सारे रीसेंट कॉन्फ्रेंसेस जो भी हुई हैं, COP21 हुआ है, उसमें क्या हुआ, इंडिया ने अपने गोल सबमिट किए हैं, उसका ओवरऑल एम क्या रहा है, तो वो हमने सारे एक बार क्लाइमेट चेंज का चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए. तो जिनके पास भी टाइम कम है तो बॉक्सेस
और ये क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन डेवलपमेंट वाला टॉपिक ये चैप्टर्स इस बार करंट के हिसाब से भी सर एक चैप्टर ऐड हुआ था ना डीमोनेटाइजेशन वाला तो मेरे ख्याल से वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बिकॉज़ इंटरव्यू में ये हॉट क्वेश्चन हो सकता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो उसमें एनालिसिस दूसरे नेशन के साथ उन्होंने कंपेयर किया हुआ है तो एनालिसिस मेरे ख्याल से गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ रहा है तो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर द लास्ट स्टेज And one more thing, we will be doing some theme-based videos on economic survey and budget. So, for example, this year's budget has been built upon 10 different themes like farmers, youth, and so on. So, we'll be giving you some special videos on that also on a thematic basis. Of course, you cannot give it on chapter basis because one theme is built about throughout the chapters. So, that will be our effort this year. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.